Hello, students. I've started with the competency based questions of class 10. So, in the previous video, I have done chapter 1, some of the questions, and today I'm taking chapter 2, acid, bases, and salts, some competency based questions.

कॉपर सिल्वर कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड इनकी रिएक्शन हम किसके साथ करें किस कारल्यूशन के साथ हम करें और हमें ये इंडिकेट हो जाए कि ये जो सोल्यूशन है दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब कॉपर की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं होती है एंड कॉपर मेटल स्ट्रिप्स बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर इज़ बिलो

कार्बन dioxide एंड water फॉर्मेशन so there is effervescence effervescence तभी होगी अगर कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कैसे करती है बहुत सारे बबल फॉर्मेशन होते हैं जिसको हम कहते हैं एफ्रिविसेंस सो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड कि रिएक्शन एच के साथ नहीं होगी बिकॉज अगर ये डिस्प्लेस भी करेंगे तो भी हमारे पास सब चांसेस क्या रहेंगे एनए एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दर इज नो रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सो करेक्ट ऑप्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ दीज ग्राफ्स शोज हाउ द पी एच ऑफ मिल्क changes as it forms curd. सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि milk जब curd में change होता है तो ये इसके लिए हमें acid formation जो है वो होती है Milk changes to curd and curd is acidic in nature. अब पीएच होती है अगर एसिड बनता है तो पीएच क्या होती है डिक्रीज करती है एसिड की पीएच कम होती है तो जैसे जैसे जो है मिल्क चेंज होगा कर्ड में तो पीएच क्या होनी चाहिए हमारी डिक्रीज होनी चाहिए अब ये जो ग्राफ है इसमें पीएच वर्सेस टाइम पीएच जो है विद टाइम क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो एक्चुअल में हमारा करेक्ट ग्राफ जो है ये होना चाहिए कि जैसे मिल्क कर्ड में चेंज होगा पीएच उसकी डिक्रीज करेगी इसमें पीएच इंक्रीज कर रही है उसके बाद डिक्रीज कर रही है फिर ऑलमोस्ट पीएच एच रिमेन्स द सेम यहां पे पीएच डिक्रीज डिक्रीज किए लेकिन फिर उसके बाद इंक्रीज होती है सो दैट मीन्स विच ग्राफ इज करेक्ट इन दिस केस इज द फर्स्ट वन दैट इज द ए ऑप्शन नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द पी एच वैल्यूज ऑफ सम सब्सटांसेस कुछ सबस्टांसिस की पी एच वैल्यू यहां पर गिवन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वन पी एच मिल्क सिक्स प्योर वाटर इज सेवन न्यूट्रल बेकिंग सोडा इज़ नाइन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फोर्टीन सो दी टू आर बेसिक इन नेचर दीज टू आर एसिडिक इन नेचर एंड प्योर वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर बिकॉज इट्स पी एच इज सेवन अब क्वेश्चन हमारा ये है वट वुड हैपन्स टू दी एच ऑफ एन एसिड एंड बेस वेन ईच इज डिल्यूटेड एसिड और बेस की पी एच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इनको डिल्यूट करेंगे और डिल्यूशन के लिए हमने प्योर डिस्टिल वाटर यूज़ किया है तो जो एसिड होता है जब हमने एसिड को डिल्यूट किया जब एसिड में हमने वाटर ऐड किया तो कॉन्सनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस जो होती हैं वो डिक्रीज कर जाती हैं अब जितनी कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की ज्यादा होती है उतनी पीएच वैल्यू क्या होती है कम होती है डेट मीन सब्सटेंस ज्यादा क्या होता है एसिडिक इन नेचर होता है लेकिन जैसे हमने वाटर ऐड किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइंस डिक्रीज कर जाती है सो so पीएच क्या करेगी इंक्रीज करेगी पी इंक्रीजेस क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच क्या होती है कम होती है अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी तो पी की वैल्यू क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी बेस जो है इसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे तो इस केस में हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आइन्स क्या कर जाती है डिक्रीज कर जाती है अगर कॉन्सेंट्रेशन ओ एच माइनस आइन की डिक्रीज करती है तो पी एच वैल्यू भी क्या करती है डिक्रीज करती है मीन्स सबस्टांस हमारा कम बेसिक होता जाएगा अगर पीएच इंक्रीज करेगी तो सब्सटेंस कम एसिडिक हो जाएगा अगर ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है तो सब्सटेंस हमारा जो है कम बेसिक होता जाएगा सो तो इसकी पीएच कम होती जाएगी और इसकी पीएच वैल्यू क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी इसको समझने के लिए मैं पीएच स्केल के ले रही हूँ पीएच स्केल के लिए फ्रॉम ज़ीरो टू फोर्टीन होता है यहाँ पे सेवन है ये सब्सटेंस हमारा न्यूट्रल है दिस इज हाईली बेसिक एंड दिस इज हाईली एसिडिक इन नेचर तो जैसे हम इस तरफ जाते हैं और इस तरफ जाते हैं फॉर न्यूट्रल वैल्यू सब्सटांस की एसिडिक नेचर इंक्रीज होती जाती है सबस्टांस की बेसिक नेचर क्या होती जाती है इंक्रीज होती जाती है तो अगर एसिडिक नेचर कम होती है वॉटर डालने से तो पीएच की वैल्यू क्या होती जाएगी जीरो से बढ़ती जाएगी पीएच विल इंक्रीज और अगर हम वाटर डालते हैं बेस में कॉन्सेंट्रेशन ओ एच माइनस आयन की कम होती है कम होएगी तो सब्सटेंस कम बेसिक होता जाएगा मीन्स उसकी पीएच की वैल्यू क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी और अगर पीएच की वैल्यू सेवन है तो उसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा सो दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन पी एच ऑफ थ्री सोल्यूशन इज गिवन इन द टेबल Answer the questions that follow. P, Q, and R. Three solutions are. pH is one means highly acidic. Hai. pH is seven. This means it's neutral in nature. Its pH is fourteen. That means it's highly basic in nature. Question hai, Which of these solutions could possibly react with zinc metal to produce hydrogen gas? इसमें से कौन से सल्यूशन जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे पी इज एसिड एंड आर इज बेसिक एसिड और बेसिस दोनों रिएक्ट करते हैं विद जिंक मेटल और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है लेट्स टेक पी इज एच सी एल एंड आर इज आ सोडियम हाइड्रोक्साइड सो जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एंड विद बेस एन के साथ मैं लिख रही हूं विद एसिड

सो मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेसिक सॉल्यूशंस बनाते हैं सी पार्ट विच ऑफ दीज सॉल्यूशंस कुड बी द रॉ मटीरियल फॉर द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन इनमें से कौन सा सोल्यूशन पी क्यू और आर कुड बी द रॉ मटीरियल फॉर द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन अब यहां पे क्लोरीन को बनाने के लिए वी नो हाउ वी गेट क्लोरीन इफ़ यू टेक ब्राइन सोल्यूशन और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं अगर हम इफ यू डू इलेक्ट्रोलिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन दैट इज एन ए सी एल वाटर वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडर वी गेट क्लोरीन एंड वी गेट हाइड्रोजन अब क्लोरीन को बनाने के लिए विथ सोल्यूशन वी हैव टेकन हीयर रॉ मटीरियल हमने कौन सा यूज किया यहाँ में इन तीनों में से कौन सा यूज किया है हमने क्यू को यूज किया बिकॉज इसकी पी एच क्या है सेवन

तो क्या हमें मेटल वापस मिलेगी नो जिंक क्लोराइड डिस इंटीग्रेट नहीं होगी एंड वी विल नॉट गेट द मेटल जिंक मेटल बैक फ्रॉम दिस सोल्यूशन द मेटल इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन मेटल जो है एज सॉल्ट सोल्यूशन इसमें रहेगी इवेपोरेट करने पर मेटल वापस रिकवर नहीं होगी नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट सी इन दिस क्वेश्चन द वर्ड डिजोल्व इज यूज विद इन कोट्स डिजोल्व पे हमने स्ट्रेस किया कोट्स में हमने लिखा है इस वर्ड को दिस इज बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ डिजोल्विंग इसका रीजन ये है कि ये डिजोल्विंग की एग्जाम्पल नहीं है वॉट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेटल डिजोल्विंग इन एन एसिड एंड शुगर डिजोल्विंग इन वाटर शुगर जब वाटर में डिजोल्व करता है तो वी यूज अ वर्ड डिजोल्विंग लेकिन इस केस में हमने कोर्ट में लिखा है इसका रीजन यह है बिकॉज दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिजोल्विंग तो डिफरेंस क्या है दोनों में जब मेटल डिजोल्व करती है एसिड में मेटल व्हेन डिजोल्व इन एसिड ये जो रिएक्शन है मेटल डिजोल्विंग इन एसिड वट इज हैपनिंग इन दिस केस इज मेटल रिएक्स विद एन एसिड इन एसिड सो दिस इज अ केमिकल चेंज ये क्या है केमिकल चेंज है बिकॉज अ न्यू सब्सटांस इज फॉर्मिंग ये सबस्टांसिस बन रहे हैं लेकिन शुगर जब डिजोल्व करती है इन वॉटर तो शुगर और वॉटर जो है इनकी प्रॉपर्टीज एज इट इज रहती है सो दिस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्स्टांस इज फॉर्मिंग इन दिस केस सो दिस इज द आंसर टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेस्टन सो दीज आर समस् द सेकेंड चैप्टर Of the class 10. So, this is all for today, and we will meet in the next video with the third chapter competency based questions next time. Thank you so much.